डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पूर्णिमा दीक्षित आपको बीएससी थर्ड ईयर में फिफ्थ यूनिट में सिलिकॉन्स एंड फॉस्फो जीन्स पढ़ाने जा रही हूँ। सिलिकॉन्स बहुलकों में रचनात्मक इकाइयों की पुनरावृत्ति होती है। आपने अभी तक पढ़ा, जहां पे भी आपने पॉलीमर्स पढ़ा है, आप जानते हैं कि संरचनात्मक इकाइयों की पुनरावृत्ति होती है। वही इकाई बार बार जो है वो रिपीट होती है और इसकी पुनरावृत्ति से हमेशा बहुलक बनते हैं। यदि कार्बन के अतिरिक्त अन्य द्रवों तत्वों द्वारा बनी, ठीक है, यदि कार्बन के अतिरिक्त किसी अन्य तत्वों द्वारा बनी असंख्य इकाइयों या इकाइयां परस्पर सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर वृहद अणु बनाए, जो पिघलने अथवा विलयन बनाने पर भी वृहद अणु के रूप में ही बना रहे, यानी अपनी स्थिति नहीं बदले, ऐसे वृहद अणु के रूप में अगर वो बने हुए हैं, तो ऐसे वृहद अणु अकार्बनिक बहुलक कहलाते हैं। आपने अकार्बनिक बहुलक पढ़े हैं पहले भी। अब सिलिकॉन्स कीपिंग के अनुसार डाई एल्किल डाई क्लोरो मीथेन, डाई एल्किल डाई क्लोरो मीथेन, यानी दो तो आर समूह है और दो क्लोरो समूह है और मीथेन यानी कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो कीपिंग के अनुसार डाई एल्किल डाई क्लोरो मीथेन जल अपघटन द्वारा कीटोन देते हैं, ठीक है। अब यदि आप देखें तो अगर डाई एल्किल डाई क्लोरो मीथेन है और जल अपघटन होता है, तो जल अपघटन से H2O मॉलिक्यूल वहां से निकलता है और इस तरीके से कीटोन देते हैं या कीटोन बनता है। तो सिलिकन के इस प्रकार के यौगिकों से सिलिकॉन बनता है ना। आप इस चीज का ध्यान रखें, कीटोन अगर कार्बन से बन रहा है कीटोन, अगर सिलिकन से बन रहा है तो सिलिकोन, एकदम एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है। सिलिकन के इस प्रकार के यौगिक से सिलिकॉन प्राप्त होना चाहिए, परंतु सिलिकन के उत्पाद सामान्य कीटोन की तुलना में भिन्न प्रकार के होते हैं। जरूरी नहीं है कि जहां कीटोन बन रहा है कार्बन, कार्बन के नीचे आने वाला सिलिकॉन भी सिलिकॉन ही बनाए। ये जरूरी नहीं है कि कीटोन की तरह वो भी मोनोमर बनाए, डाइमर ट्राइमर कुछ भी बन सकते हैं। तो सिलिकॉन को पॉली सिलोक्सेन भी कहते हैं, मतलब पॉली सिलोक्सेन, ऑक्सीजन बीच में आ जाती है और इन मॉलिक्यूल्स में एक ही इकाई का बार बार रिपीटेशन होता है, जो कि बॉन्ड ऑक्सीजन के थ्रू थ्रू होता है, इसलिए इसको कहलाता है ये सिलोक्सेन। जहां R2CCl2 के जल अपघटन से प्राप्त कीटोन पतले द्रव होते हैं, वहीं R2SiCl2 के जब जल अपघटन से प्राप्त सिलिकॉन तेल जैसे गाढ़े पदार्थ या कभी-कभी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। R2CCl2 तथा यानी कार्बन का हो गया, इसके अलावा सिलिकन का R2SiCl2 के जल अपघटन से प्रथम पद में द्विहाइड्रोक्सी मध्यवर्ती प्राप्त होते हैं। दोनों ही केस में जो मध्यवर्ती है वो द्विहाइड्रोक्सी प्राप्त होते हैं, परंतु द्वितीय पद में फर्क कहाँ होता है जाके, द्वितीय पद में कार्बन से जुड़े दो हाइड्रोक्सी अणु
से जल का एक अणु निकलकर कीटोन बनते हैं। अगर आप उदाहरण के तौर पर देखें तो यहाँ पर आप देखिए, इस अभिक्रिया में R2CCl2 जब इसका जल का अपघटन होता है तो R2C और दो OH समूह लग जाते हैं और एक जल के अणु निकल जाने से ये कीटोन के रूप में आ जाता है। जबकि अगर यहाँ पर सिलिकन है तो उस कंडीशन में भी इसके जो सिलेनॉल्स बन जाते हैं, ओल्स आ जाते हैं, इसमें OH समूह लग जाते हैं। लेकिन जब इनका जल का अपघटन होता है तो इस प्रकार के सिलोक्सेन्स बनते हैं, यानी ऑक्सीजन बीच में बंध बना लेता है, सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में ऑक्सीजन के बंध बन जाते हैं और इसीलिए ये कहला रहे हैं सिलोक्सेन्स या सिलिकॉन। ठीक है, तो ये सिलिकॉन और ये कीटोन, क्या फर्क हो गया? कार्बन जो है मोनोमर बना रहा है जबकि सिलिकॉन जो है ये डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर ऐसे बहुलक बना लेते हैं। तो यही ये कह रहे हैं, द्वितीय पद में जब मध्यवर्ती द्विहाइड्रोक्सी जल अपघटन के बाद द्विहाइड्रोक्सी मध्यवर्ती प्राप्त होते, लेकिन उसके पश्चात द्वितीय पद में कार्बन से जुड़े दो हाइड्रोक्सी अणु से H2O जल का एक अणु निकलकर कीटोन बनाते हैं, यह क्रिया अंतर आणविक होती है। तो पहले कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोक्सी अणु है उससे जल का अणु निकल के वो कीटोन बना लेते हैं और ये अंतर आणविक अभी क्या है, विद इन द मॉलिक्यूल, है ना, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर जिसको कहते हैं, है ना। इसके बाद में क्या होता है, जबकि सिलिकॉन मध्यवर्ती सिलिनॉल बनाता है बिल्कुल उसी तरह जैसे कार्बन ने बनाया, इसमें अंतरा आणविक संघनन यानी दो अलग अलग अणुओं का आपस में संघनन, इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर, तो दो अलग अलग अणु का संघनन हो, जल अणु का निष्कासन होता है और सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, इसीलिए इसको सिलोक्सेन्स भी कह रहे हैं। आप देखिए ऑक्सीजन आ गई है, सिलोक्सेन्स कह रहे हैं, तो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बंध युक्त यौगिक प्राप्त होते हैं जो सिलिकॉन या सिलोक्सेन्स कहलाते हैं। कार्बन तथा सिलिकॉन उत्पादों में भिन्नता बंधन में अंतर के कारण होती है, जहां कार्बन में 2p कक्षक ऑक्सीजन के 2p कक्षक के साथ अतिव्यापन कर पाई बंध बनाते हैं। कार्बन, आप जानते हैं कार्बन जो है, जहां कार्बन में 2p कक्षक, आप जानते हैं कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स अंतिम कक्षक में होते हैं और 2 s में होते हैं और 2 p में होते हैं। इस तरीके से कार्बन में 2 जो p कक्षक में ऑक्सीजन के 2p कक्षक के साथ अतिव्यापन कर पाई बंध बनाते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन के 2p कक्षक के साथ अतिव्यापन कर पाई बंध बनाते हैं। वहीं सिलिकॉन में 3d कक्षक, सिलिकॉन में क्या d कक्षक की एंट्री हो चुकी है और 3d कक्षक जो है वो ऑक्सीजन के 2p कक्षकों के साथ, 3d कक्षक ऑक्सीजन के 2p कक्षकों के साथ पाई अतिव्यापन करते हैं और इसलिए जहां कार्बन ऑक्सीजन के मध्य स्थायी द्विबंध बनता है या होता है, वहीं सिलिकॉन स्थायी बंध बनाने के लिए दूसरे सिलिनॉल अणु से मिलकर और H2O का निष्कासन कर SiO(SI) बंधन वाले यौगिक बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके सामने है किस तरीके से R2CCl2 दो H2O के साथ अभिक्रिया करके और 2 HCl निकाल के कार्बन से 2 OH समूह जुड़ गए और इनका जल अपघटन हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल या जल का अणु निकलने के पश्चात कीटोन बनते हैं। वहीं पर अगर सिलिकॉन के केस में देखा जाए R2SiCl2
ये H2O से अभिक्रिया करके और दो ओल समूह लग जाते हैं। इसके पश्चात जल अपघटन होने के बाद दूसरे अणु के साथ मिल करके और प्रोडक्ट बनाते हैं SiR2O, SiR2, और ये चेन बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से अगर R2, Si, Cl2 लेकर के अगर हम चलते हैं तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है सिलिकॉन या सिलोक्सेन, ये चेन है, एक श्रृंखला बनाती है, इसकी संख्या कितनी भी हो सकती है। अब यदि हम देखें तो सिलिकॉन परमाणु जो है सिलिकॉन परमाणु केवल हाइड्रोजन से या हाइड्रोजन के साथ दो अन्य किसी सिलिकॉन से सीधे बंधित हो, मतलब क्या हुआ, जो सिलिकॉन है ये या तो ये जो है परमाणु केवल हाइड्रोजन से, यानी इसमें केवल हाइड्रोजन सिर लगे हुए हो, और या हाइड्रोजन के साथ दो अन्य किसी सिलिकॉन से सीधे बंधित हो, यानी एक तरफ तो हाइड्रोजन है या मान लो यहाँ है ना, और अन्य किसी सिलिकॉन से सीधे बंधित हो, ऑक्सीजन के द्वारा दूसरे सिलिकॉन से बंधित हो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के द्वारा इस प्रकार से बंधित हो, तो यौगिक सिलेन कहलाते हैं, ये सिलेन कहलाते हैं। जबकि सिलिकॉन परमाणुओं के मध्य ऑक्सीजन हो तो यौगिक सिलोक्सेन कहलाते हैं, अभी हमने सिलोक्सेन पढ़ा। तो यदि सिलोक्सेन के सभी हाइड्रोजन के स्थान पर एल्किल अथवा एरिल समूह लगा हो तो यौगिक सिलिकॉन कहलाते हैं, यहाँ पर आर समूह लगे हो तो ये सिलिकॉन कहलाएंगे, लेकिन ये इस तरीके ऑक्सीजन के थ्रू दूसरे सिलिकॉन से जुड़ा हुआ हो तो सिलोक्सेन कहलाएंगे। इनके अगर संश्लेषण को देखा जाए तो सिलिकॉन का संश्लेषण यानी जहां पर सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन बॉन्ड हो, तो सिलिकॉन का संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से तीन पदों में होती है। सबसे पहले एल्किल क्लोरोसिलेन का बनना, एल्किल कोई भी आर समूह और क्लोरो लगा हुआ है और सिलिकॉन, तो एल्किल क्लोरोसिलेन का बनना, एल्किल क्लोरोसिलेन का सिलेनॉल में जल अपघटन, सबसे पहला स्टेप है एल्किल क्लोरोसिलेन का बनना, नंबर दो पर इसका जल अपघटन सिलेनॉल में, और नंबर तीन पे है सिलेनॉल का सिलिकॉन में संघनन, यानी जब वहां पर ऑक्सीजन बॉन्ड्स भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले एल्किल क्लोरोसिलेन का संश्लेषण, ये कार्ब क्लोरोसिलेन के बनने की मुख्य रूप से चार विधियां हैं, सीधा सिलिकॉन प्रक्रम, औद्योगिक महत्व के मेथिल क्लोरोसिलेन, देखिए मेथिल क्लोरोसिलेन बनाने के लिए महत्वपूर्ण विधि है, इस विधि में सिलिकॉन चूर्ण के साथ, सिलिकॉन हम कौन की बात नहीं कर रहे हैं, सिलिकॉन चूर्ण के साथ SI चूर्ण के साथ लगभग 10% कॉपर चूर्ण जो कि उत्प्रेरक के रूप में काम करता है मिलकर उसके ऊपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर मेथिल क्लोराइड की वाष्प को प्रवाहित किया जाता है, अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कई यौगिकों का मिश्रण बनता है। आप देखिए एल्किल क्लोराइड है, यह मिथाइल क्लोराइड प्लस सिलिकॉन का चूर्ण इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर जो कि उत्प्रेरक की तरह काम करता है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर डायमिथाइल सिलिकॉन डाइक्लोराइड ये बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है, मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड प्लस ट्राइमिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड, यानी हर कॉम्बिनेशन में जुड़ करके ये प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, परंतु मुख्य रूप से ये जो है
डाइमिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड प्रोडक्ट बन रहा है। तो मुख्य रूप से यहां पर जो है डाइमिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड बन रहा है, मिथाइल क्लोराइड प्लस सिलिकॉन चून जिसमें कि कॉपर प्रेजेंट है उत्प्रेरक की तरह 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह प्रोडक्ट्स बनाता है। अब इसमें मुख्य उत्पाद क्या है, Me2SiCl2 या डायमिथाइल सिलिकॉन डाइक्लोराइड या डायमिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड कहेंगे आप, डाइक्लोराइड है यहां पर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। प्रभाजी आसवन द्वारा बाकी सभी को पृथक कर लिया जाता है। आप जानते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इस तरीके के मिश्रणों को पृथक कर लिया जाता है। मिथाइल क्लोराइड प्लस दो कॉपर, ये जो अभिक्रिया है इसकी क्रियाविधि निम्न प्रकार होती है, मिथाइल क्लोराइड दो मतलब कॉपर की प्रेजेंस में मिथाइल कॉपर के साथ जुड़ करके और क्लोराइड कॉपर की तरह साथ में जुड़ करके इस तरीके के उत्पाद बनाता है। मिथाइल क्लोराइड जो है ये कॉपर प्लस मिथाइल में अलग हो जाता है। इसके बाद Cu2Cl2 प्लस 2Si, तो कॉपर से कॉपर यहां पर है प्लस SiCl या सिलिकॉन क्लोराइड बन जाता है। मिथाइल इसके साथ जुड़ करके और मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड बना लेता है। दो मिथाइल मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड से जुड़ करके ट्राई मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड बनाता है, जबकि कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड जो है ये मिथाइल सिलिकॉन ट्राई क्लोराइड बना रहा है। यहाँ पर देखिए ट्राई मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड और यहां पर कॉपर की प्रेजेंस में मिथाइल सिलिकॉन ट्राई क्लोराइड या तीन क्लोरो समूह जुड़े हुए हैं और कॉपर पृथक हो जाता है। मिथाइल प्लस मिथाइल सिलिकॉन डाइक्लोराइड मिलकर के डाइमिथाइल सिलिकॉन डाइक्लोराइड बना रहे हैं। इस तरीके से चार मिथाइल समूह सिलिकॉन से जुड़कर डायरेक्ट भी टेट्रामिथाइल सिलेन बना रहे हैं या फिर कॉपर सीएल टू सिलिकॉन की प्रेजेंस में इस तरीके से सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ये सभी मिश्रण बन रहे हैं जिसे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक कर लिया जाता है। उपरोक्त अभिक्रिया को CH3Cl यानी क्या हो गया, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड व HCl मिश्रण द्वारा कराने पर ट्राई CH3Cl SiCl3, तो मिथाइल सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड अन्य सिलेन के साथ मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगर मिथाइल क्लोराइड को HCl की प्रेजेंस में सिलिकॉन और कॉपर उत्प्रेरक की प्रेजेंस में कराई जाती है जब इनकी अभिक्रिया, तो मिथाइल सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड प्लस H2, इसको हम मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड भी कह सकते हैं। फिनाइल क्लोरोसिलेन बनाने के लिए सिल्वर उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है फिनाइल की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, डायमिथाइल डायफिनाइल सिलिकॉन डाइक्लोराइड बनता है। अब यदि देखा जाए तो दूसरी वृद्धि जो है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की उपस्थिति में भी ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के प्रयोग द्वारा अगर सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को देखें तो या टेट्रा इथॉक्साइड, ऑक्सीजन लगा हुआ है इथाइल में, इथॉक्साइड सिलिकॉन टेट्रा इथॉक्साइड की RMGX के साथ क्रिया कराने पर सीधा सीधा R2SiCl2 प्लस MgCl2 बन रहा है, या अगर इसके इथॉक्साइड एल्कोक्साइड की रिएक्शन लगा रहे हैं RMGX से तब भी R2SiOET2 इथॉक्साइड है ना, तो डायमिथाइल सिलिकॉन इथॉक्साइड डायथॉक्साइड ये बन रहा है। उत्पाद की प्रकृति ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक व सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के अनुपात पर निर्भर करेगी। अब एरोमेटिक सिलाइलेशन,
एरोमेटिक सिलाइलेशन या एरिल सिलिकॉन हेलाइड बनाने के लिए उपयोगी है। एरोमेटिक ले रहे हैं तो एरिल सिलिकॉन बन रहा है, सिलिकॉन्स बन रहे हैं। उपयोगी विधि है जिसमें बेंजीन और अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति में अभिक्रिया सॉरी कराई जाती है। C6H6 SiCl3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ फेनिल समूह आ गया। कैटलिस्ट जो है एल्यूमिनियम क्लोराइड BF3 या BCl3। इसी तरीके से ओलिफिन का हाइड्रोसिलाइलेशन, ओलिफिन विभिन्न ओलिफिन हाइड्रोक्लोरोसिलेन के साथ उच्च दाब व 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया कर या परऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 45 डिग्रीज पर क्रिया कर जो है एल्काइल क्लोरोसिलेन बना रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो है ये ओलिफिन है HSiCl3 की उपस्थिति में, इसमें एल्काइल ट्राइक्लोरोसिलेन बन रहा है, ठीक है। इसी तरीके से H2SiCl2 की अभिक्रिया अगर कराई जाती है तो ये डाइएल्काइल डाइक्लोरोसिलेन बन रहा है। अब पुनर्वितरण की अभिक्रियाएं, इनके द्वारा भी जो है सिलिकॉन्स बनाए जाते हैं, या ये कहें कि इनके द्वारा भी ऑर्गेनो ग्रुप का अटैचमेंट किया जाता है। R3SiCl को RSiCl3 के साथ AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 350 डिग्री ताप पर गर्म करने पर R2SiCl2 बनते हैं, ऑर्गेनो सिलिकॉन क्लोराइड बनते हैं या डायल्काइल सिलिकॉन डाइक्लोराइड। अब एल्किल क्लोरोसिलेन का सिलेनॉल में जल अपघटन, सबसे जो पहली क्रिया थी उसमें आपने पढ़ा था कि किस तरीके से जो है फर्स्ट स्टेप में एल्किल क्लोरोसिलेन का बनाना, पहली स्टेप में एल्किल क्लोरोसिलेन का बनना। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एल्किल क्लोरोसिलेन का सिलेनॉल में जल अपघटन। अब हम पढ़ रहे हैं एल्किल क्लोरोसिलेन का सिलेनॉल में जल अपघटन। उपरोक्त अभिक्रिया से प्राप्त अभिकर्मक, कौन से अभिकर्मक, एल्किल क्लोरोसिलेन, ठीक है, के जल अपघटन से मध्यवर्ती सिलेनॉल बनते हैं तथा जिनके संघनन में जल निराकरण के साथ सिलोक्सेन्स बनते हैं। जल का अणु निकल जाता है और सिलोक्सेन्स बनते हैं। उत्पाद की संरचना व प्रकृति प्रारंभिक अभिकर्मक की प्रकृति पर निर्भर करती है। अगर R3SiCl है तो H2O के साथ अभिक्रिया करके और HCl निकलने के बाद R3SiOH बन रहा है, यानी एक OH समूह इसमें लग रहा है। अगर R2SiCl2 है तो R2SiOH ट्वाइस ये बन रहा है। अगर RSiCl3 है तो RSiOH3 एल्किल सिलेन ट्रायोल, ये डायोल है, और एल्किल सिलेनॉल ये एल्किन सिलेनॉल है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब आप देखिए सिलेनॉल का सिलिकॉन में या सिलोक्सेन में संघनन। तो जब सिलेनॉल बन गया, अब बात कर रहे हैं ट्राई एल्किल सिलेनॉल जिसमें एक ही OH समूह जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में R3SiOH और दूसरे R3SiOH मॉलिक्यूल आपस में जल अणु को निकाल करके
और इनके डाइमर प्राप्त होते हैं। ट्राइएल्किल सिलेनॉल के संघनन द्वारा द्विलक प्राप्त होता है, डाइमर प्राप्त हो रहा है। डाइएल्किल सिलेन डाइओल दोनों ओर से दोनों ओर अन्य दो अणुओं के साथ संघनित हो रेखीय बहुलक श्रृंखला बनाते हैं। देखिए यहां पर ट्राइएल्किल था, एक ही OH समूह आ रहा था, इसलिए दो ही अणु आपस में मिलकर के और डाइमर बना रहे थे। लेकिन जब यहां पर H2O निकल जाता है और फिर आगे इसी तरीके से H2O निकलते जाते हैं तो एक श्रृंखला चलती जाती है, बढ़ती जाती है, और इसीलिए अन्य दो अणुओं के साथ संघनित हो रेखीय बहुलक श्रृंखला बनाते हैं जिनमें सिलिकन ऑक्सीजन सिलिकन श्रृंखला बढ़ती जाती है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स बनाते हैं, ये जो संरचना होती है ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की होती है। यदि डाइएल्किल सिलेन या डाइक्लोराइड को संघनन संयमित परिस्थितियों में करवाई जाए तो चक्रीय बहुलक बनते हैं जिनमें 3 से लेकर 6 सिलिकन परमाणु होते हैं। यहाँ पर देखिए SiO, Si, ये एक संयमित परिस्थितियों में, यानि जो रेशियो है, जो सिलिकन और R2 सिलिकन डाइएल्काइल सिलिकन डाइक्लोराइड अगर लेकर के हम इसका संघनन कर रहे हैं और संयमित परिस्थितियों में कर रहे हैं तो चक्रीय बहुलक भी बनते हैं। 3 से लेकर 6 सिलिकन परमाणु, यहाँ पर देखिए तो 4 सिलिकन परमाणु है और यहाँ पर 3 है। इसी तरीके से अगर R3 SiCl व R2 SiCl के मिश्रण को संघनित किया जाए तो R3 SiCl श्रृंखला के अंतिम छोर को रोक देती है, क्योंकि R3 लगे हुए है, इसके आगे श्रृंखला जुड़ नहीं सकती, इसलिए ये अंत में आ जाता है और श्रृंखला को कंट्रोल कर देता है कहां तक ही श्रृंखला को चलाना है, तो अंतिम छोर को रोक देगी और श्रृंखला आगे बढ़ना बंद हो जाएगी। अतः इन अभिकारकों का अनुपात श्रृंखला की लंबाई को कंट्रोल करने या नियंत्रित करने में उपयोग किया जाता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि R, लेकिन ये क्या है, डाइएल्काइल सिलिकन डाइक्लोराइड डाइओल बना और संघनन से इस तरीके की श्रृंखला बनती जा रही है। लीनियर सिलिकॉन्स ये कहलाते हैं, लीनियर सिलिकॉन्स, जबकि जो है तीसरा एल्किल सिलेन ट्रायोल, अब ट्रायोल की बात कर रहे हैं हम, संघनन द्वारा तिर्यक वृद्ध बहुलक या क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर देता है। ये देखिए आप, तीनों तरफ ओल समूह था और संघनन हुआ, जल अणु निकला और इस प्रकार से पॉलीमर्स बनते गए, क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन्स कहलाते हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं 3 दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इनकी लंबाई या आकार को ट्राइएल्किल क्लोरोसिलेन द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। आपने देखा पहले भी कि ट्राइएल्किल क्लोरोसिलेन के द्वारा इनकी लंबाई को नियंत्रित किया जाता है। रेखीय सिलिकॉन सामान्यतः तेल जैसे द्रव तथा क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाए जाते हैं। अतः रेखीय सिलिकॉन सिलिकॉन द्रव तेल या तथा तिर्यक बहुवृद्ध बहुलक सिलिकॉन रेजिन कहलाते हैं। क्रॉस लिंक्ड सिलिकॉन जो है ये रेजिन कहला रहे हैं, जबकि ये जो है ये तेल या द्रव कहला रहे हैं, सिलिकॉन द्रव या सिलिकॉन तेल कहला रहे हैं, और ये इस तरीके के रेजिन्स कहला रहे हैं। आज यहीं तक पढ़ते हैं।
और आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।